हैं हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल। समस्त देश प्रदेश वासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सहारनपुर में 74वें गणतंत्र दिवस सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया। मंडलायुक्त लोकेश एम और डीएम अखिलेश सिंह ने अपने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर सलामी ली। वहीं डीआईजी सुधीर सिंह और एसएसपी विपिन तादा ने भी सलामी ली। बच्चों ने आकर्षक झांकियां दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड में पीडब्ल्यूडी राजमंत्री बृजेश सिंह को क्षेत्राधिकारी लाइन्स अभितेश सिंह प्रथम कमांडर, प्रतिसार निरीक्षक बीरेंद्र बहादुर द्वितीय कमांडर और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस भूदेव सिंह ने तृतीय कमांडर के रूप में सलामी दी। पवन कुमार उपनिरीक्षक यातायात प्रथम टोली ट्रैफिक पुलिस, हरेंद्र उपनिरीक्षक द्वितीय टोली सीईआर, कृष्णपाल सिंह तृतीय टोली सशस्त्र पुलिस, विनीत चौधरी चतुर्थ टोली नागरिक पुलिस, विक्रांत भदाना पंचम टोली पुलिस ऑफिस, कलम सिंह प्लाटून कमांडर छठी टोली पीएसी प्लाटून, सविता चौधरी उपनिरीक्षक सातवीं टोली महिला पुलिस, संयम कुमार एनसीसी कैडेट आठवीं टोली एनसीसी का नेतृत्व किया। नागरिक पुलिस श्री विनीत चौधरी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जोरदार तालियां मैं जनता से कहूंगा हमारे इन सभी जवानों के लिए देते रहे आप लोग। पंचम टोली पुलिस ऑफिस श्री विक्रांत भड़ाना उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, छठी टोली पीएसी प्लाटून श्री कलम सिंह प्लाटून कमांडर, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक सातवीं टोली हमारी महिला पुलिस सुश्री सविता चौधरी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, और आठवीं टोली संयम कुमार एनसीसी कैडेट के नेतृत्व में एनसीसी, उसके बाद पुलिस मोटरसाइकिल सचल दल तिरंगों को सजाए हुए बहुत खूबसूरत तरीके से अपने कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया, सभी मोटरसाइकिलें बिल्कुल निश्चित गति के साथ, पुलिस कंट्रोल रूम रडार के साथ यहां पर कमांडो पुलिस विज्ञान प्रयोगशाला वाहन फॉरेंसिक लैब, डॉग स्क्वाड जो कहीं भी खतरे को सूंघकर। देखिए आज पूरा देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उसी क्रम में आज जनपद की इस पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। मैंने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की परेड का मान सम्मान ग्रहण किया है। मैं अपने जनपद की पूरी टीम को, अपने यहाँ के पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, उनको बहुत बहुत बधाई और इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हम सब के लिए गौरवशाली दिन है और इस गौरवशाली दिन को इसी प्रकार बना के रखना एक सामाजिक समरसता के रूप में, एक सार्वजनिक सार्वभौमिक सभ्यता के रूप में हम सब का भी उत्तरदायित्व है। मैं अपने जनपद के प्रत्येक जनपदवासी को भी आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और
ये प्रतिबद्धता दोहराता हूँ कि चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए हम उनकी सुरक्षा के प्रति, हम उनकी सुविधाओं के प्रति सदैव सजग रहते हैं और अपने समस्त जिम्मेदारियों का हम बहुत ही भावपूर्ण तरीके से निर्वहन करते हैं और करते रहेंगे। सहारनपुर में गणतंत्र दिवस पर जिला अस्पताल रोड पर एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की फूड वैन दाना पानी पर भी ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र तनेजा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मतीश्वर चांदना, अश्विन सुखीजा, निशा शर्मा, मनोज शर्मा, वीरेंद्र बहल आदि उपस्थित रहे। हिमाचल यमुना गंगा उछल चलति तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा गण गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय। प्रख्यात सामाजिक संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा एवं द परवेज सागर फाउंडेशन इंडिया के बैनर तले गुरुवार को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा के वरिष्ठ सदस्य महेश धींगड़ा जी का जन्मदिवस भी था, अतः धींगड़ा परिवार के सौजन्य से कई जरूरतमंदों को भोजन भी वितरित किया गया, साथ ही मिष्ठान वितरण भी हुआ। सेवा के महासचिव एम तनवीर ने सभी को गणतंत्र दिवस की महत्ता बताते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हम सभी को गर्व की अनुभूति कराता है। हम सभी को मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूत करना है और देश की उन्नति में अपना हर संभव योगदान देना है। इस मौके सामाजिक कार्यकर्ता रूही अंजुम विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। उनके साथ शिक्षाविद समरीन फातिमा, शिक्षाविद शबाना सिद्दीकी, दानिश सैफी, सेवा की पीआरओ श्रीमती नीना धींगड़ा, कॉमरेड शरीफ अहमद, शहरीन, आयशा, नमरा, विपिन कश्यप, अर्जुन आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। देवबंद नगर में हर्षोल्लास के साथ 74वें गणतंत्र दिवस मनाया गया एवं ध्वजारोहण कर दिया, लोकतंत्र को मजबूत बनाने संदेश दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक और सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण करके देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। आज नगर पालिका प्रांगण में अधिशाषी अधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार राय ने ध्वजारोहण वरिष्ठ नागरिक राजकिशोर गुप्ता से कराया। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अवगत कराया गया और सभी से, अपने कर्मचारियों से मेरा यही एक अनुरोध था कि आप अपने शहर देवबंद के नगर के निवासियों के होठों पर मुस्कराहट का कारण बने, कोई ऐसी चीज़ न हो कि आपके प्रति उनके मन में विचार नकारात्मक हो, ऐसा कार्य करें कि पूरा शहर आपकी प्रशंसा करे। यही मैंने उनको आज शपथ दिलाई और यही संदेश दिया और यही हम सबके लिए सर्वोत्तम संदेश है। यदि हम अपने नागरिकों के होठों पे मुस्कराहट का कारण बनते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारा गणतंत्र पूरी तरह से सफल और लागू है।